स्काउट कैंप। एंड मैं जानती हूँ मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज कोई दिक्कत आ गई थी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं स्काउट में भी हूँ एंड कि मैंने पहन लिया है मतलब जो आउटफिट है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ पहुँचने के बाद। एंड मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बावड़ी। वहाँ पे 5 दिन का कैंप है जिनमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होंगे। तो चलो मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो ये है यहाँ पे ये बैग एंड इस साइड में ये वाला बैग एंड थोड़ा सामान फैला हुआ है तो देखना मत आप लोग। एंड चलो जल्दी से मैं पहुँच कर आपको वापस से दिखाती हूँ सब कुछ क्या कैसा क्या है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉयज़ के टेंट है वो बनना स्टार्ट हो गए थे एंड हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी है, मतलब कंबल स्टैंड टेंट वगैरह सब कुछ, बिकॉज़ गर्ल्स को अलाउ नहीं था बाहर रहना, उनके लिए रूम्स थे एंड बॉयज़ के लिए टेंट था जो कि उन्हें खुद बनाना था। तो हमने भी बॉयज़ को थोड़ी बहुत मदद करवाई एंड फिर हम सब क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए हम सब थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम गए। एंड शाम हो चुकी थी इसलिए झंडा भी उतारा जा रहा था, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड फिर हमें कुछ क्लैपिंग्स वगैरह करवाई जा रही थी, ये थी साइलेंट क्लैप एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की। एंड फिर हमारी टोलियों को नाम दिया जाता है, तो हमारी टोली का नाम था मैना टोली एंड ये पता नहीं कौन सी टोली थी जिनको सर उड़ना सिखा रहे थे, मेरे ख्याल से ये शायद कबूतर टोली है। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी एंड आप देख सकते हो कि अब सर हमें गाना गवा रहे थे। एंड फिर सुबह निरीक्षण का टाइम था तो मैं लीडर थी फर्स्ट या सेकेंड डे की, मुझे भी याद नहीं है। तो आप देख सकते हो पहले ढूंढ के बताना कि मैं किधर हूँ। एंड यहाँ पे 25 स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे थे एंड मैम हमें सिखा रही थी कि आपको लेआउट करना है, आपके जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह है उन्हें अंदर नहीं रखना है, आपको बाहर लेकर आना है। और मैम बता रही थी कि आपको तरह तरह के गैजेट्स वगैरह बनाने हैं। तो हमारे 40 में से शायद 34 मार्क्स आए थे, तो बुरे नहीं है बिकॉज गाइड में हम ही फर्स्ट थे। एंड बहुत सारी चीज़ें बता रही थी मैम कि आपको ये भी करना है, जैसे अगर आपके पास रूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रूम्स के अंदर है तो आपको कुछ करना नहीं है, हमें सब कुछ करना है काम। एंड ये सब समझाने के बाद हमें लेकर जाते हैं हॉल में एंड फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ एंड मैं आपको दिख रही हूँगी सामने। एंड यहाँ पर देखिए सभी को बैठा रखा है, ये हाफ सेमी सर्कल होता है ना उसकी शेप में बैठा रखा है। और तो अभी यहाँ पर हमें लिखवाया भी जा रहा था एंड तरह तरह की रस्सी बांधना सिखा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने भी वो वाली गांठ लगाई थी, देख सकते हो आप ये रही मैं। एंड और भी बहुत कुछ एंड यहाँ पर रात को क्या था कि आपको एक कोड वर्ड मिलता है उसको बोले बिना ना तो आप बाहर जा सकते हो ना ही अंदर, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि जो भी पेट्रो मतलब जो भी लगते हैं यहाँ पर जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं उनको। एंड फिर सुबह वापस से क्लैपिंग्स वगैरह कराए जा रहे थे, मैं प्रॉपरली वीडियो तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बताया जा रहा था कि अगर कोई पेशेंट घायल होता है तो उसे कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमने आतंकवादी बना दिया यहाँ पर। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे दिख रहे होंगे आपको एंड फिर यहाँ पर देख लो आप देख सकते हो यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी है जो कि डंडा लेकर ऐसे मुझे भी नहीं पता प्रॉपरली क्या कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पर इनको खड़ा कर दिया कि ये कुछ जैसे खेती में काम कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं इन्हें पकड़ लेते हैं, मैं भी देखूँगी आपको यहाँ पे हाय हाथ हिलाते हुए। एंड देख सकते हो आप कि हम यहाँ पर आप है ना कट्टे वगैरह से इन सब से आप बनाकर पेशेंट्स को ले जा सकते हो। एंड यहाँ पर हमारी चालू हो गई थी जो एक्टिंग थी, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप क्या क्या हो रहा है अभी। एंड फिर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि कोई घायल कब होए और कब हम उसे लेकर जाए पेशेंट बनाकर हॉस्पिटल में। एंड जब वो घायल हो जाते थे हम उन्हें लेकर जाते हैं, बट वो वीडियो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं बीच में नहीं डाल पाई। तभी था हमारे खाने का टाइम एंड हम सभी खाना खाने के लिए गए थे एंड देख सकते हो आप यहाँ पर कितनी भीड़ लग रही है। एंड यहाँ पर मैं भी आपको दिखूँगी कुछ खाना ठूसते हुए बिकॉज ये काम तो मैं सबसे पहले करती हूँ। एंड
अभी यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की गांठें लगाना सिखा रहे हैं एंड मुझे सही में पता नहीं था कि इतनी तरीके की गांठें लगानी होती है। एंड ये हमें सिखा रहे थे मतलब जो पेड़ होता है उस पर हम कैसे सीढ़ी बना सकते हैं, तो मुझे ये आइडिया पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पर मैम हमें पढ़ा रही थी एंड शाम को जो झंडा रोहण, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं बट जो झंडा होता है उसे नीचे उतार लेते हैं, तो वो हो रहा था। एंड ये कर रही थी रेंजर्स, एंड डेली अलग अलग मेंबर कोई ना कोई करता रहता है, तो आज रेंजर्स कर रही थी। एंड हम यहाँ पर कर रहे हैं जो भी है, ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था स्काउट के अंदर। एंड फिर ये देखो, ये है देखो, मेरी फ्रेंड्स ना सीधी हो जाती है कैमरा देखती। फिर रात को था फायर कैंप जिसमें मैंने डांस किया था, बट जो लास्ट डे की डांस की वीडियो थी ना राजपूती ड्रेस में जो मैंने पहन की थी वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई।